फ्रेंड्स मैं रूपास्त्री और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मीन और मीडियन निकालना सीख लिया है अभी के क्लास में हम लोग करेंगे मॉड हिंदी में इसको कहा जाता है बहुलक अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दोनों के लिए हम लोग मॉड निकालना सीखेंगे अनग्रुप डाटा को हिंदी में कहा जाता है अवर्गीकृत आंकड़े ग्रुप डाटा को वर्गीकृत आंकड़े ग्रुप डाटा को निकालने का भी दो तरीका है एक है एज्यूम्ड मॉड मेथड, दूसरा है करेक्ट मॉड मेथड। इसको हिंदी में कहा जाता है अनुमानित बहुलक विधि और इसको कहा जाता है सही बहुलक विधि कैलकुलेट मॉड फॉर द फॉलोइंग डाटा ये डाटा दिया हुआ है सबसे पहले इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में सजाने से इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सा जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा बार आया है तो इस लाइन में सेवेंटीन है जो लगातार तीन बार आया है एट्टीन दो बार आया है बाकी सब एक एक बार आया है तो इसका मॉड हो जाएगा सेवेंटीन अगर डाटा इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सजे कि सेवेंटीन भी तीन बार आए और नाइनटीन भी तीन बार आए और क्योंकि 17 के बाद यहाँ पे गैप नहीं है लगा 17 के बाद ही जस्ट 19 है तो इस तरह का जब डाटा रहता है तो मॉड निकालने के लिए हम लोग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं 17 और 19 का एवरेज निकाल देंगे जो आएगा वही हो जाएगा मॉड का वैल्यू तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे तो मॉड निकालने का तरीका ये है और एक देखिए अगर इस तरह का डाटा दिया हुआ रहे कि 17, 17 तीन बार है बीच में एक अलग नंबर है फिर जो दूसरा नंबर है वो भी तीन बार है तब इस तरह का अगर डाटा दिया हुआ है तो मॉड का वैल्यू जो है वो दोनों होगा 17 भी आंसर होगा और 24 भी आंसर होगा नेक्स्ट अगर इस तरह का डाटा दिया रहे कि कि भी 11 भी देखिए थ्री बार है 16 भी थ्री बार है 17 भी थ्री बार है और 19 भी थ्री बार है इस तरह का डाटा का कोई भी मॉड नहीं होता है देर इज नो मॉड तो इसी तरीके से हम लोग अनग्रुप डाटा का मॉड निकालते हैं नेक्स्ट है ग्रुप डाटा तो ग्रुप डाटा से टोटल दो टाइप से मॉड फाइंड किया जा सकता है एज्यूम्ड मॉड मैथड और करेक्ट मॉड मैथड अभी हम लोग देखेंगे अज्यूम्ड मॉड मैथड एक क्वेश्चन ले लिए कैलकुलेट मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ले लिए हैं इधर क्लास दिया हुआ है इधर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इस विधि से सबसे आसानी से हम लोग मॉड निकाल सकते हैं देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी में सबसे हाइस्ट वैल्यू किसका है तो इस फ्रीक्वेंसी में ट्वेल्व जो है सबसे हाइस्ट वैल्यू है तो ट्वेल्व वाले जो क्लास है इसका लोअर लिमिट फिफ्टी है और अपर लिमिट फिफ्टी नाइन है तो मॉड मॉड इक्वल टू फिफ्टी प्लस फिफ्टी नाइन बाई टू कर देंगे इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव यही हो जाएगा मॉड तो एज्यूम्ड मॉड मेथड जो है वो बहुत ही आसान है देखेंगे हाइस्ट फ्रीक्वेंसी हाइस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल ले लेंगे और उस क्लास इंटरवल का मीन निकाल देंगे तो हमारा मॉड निकल जाएगा नेक्स्ट है करेक्ट मॉड मेथड सही बहुलक विधि इस विधि से मॉड निकालने के लिए मॉड का फॉर्मूला है मॉड इक्वल टू थ्री इंटू मीडियन माइनस टू इंटू मीन कैलकुलेट मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी क्योंकि फार्मूला में हमें मीन और मीडियन दोनों का ज़रूरत है तो टेबल में हम लोग वो वो चीज़ निकाल लेंगे जिसका हमें मीन और मीडियन निकालने में ज़रूरत होता है तो फ्रीक्वेंसी से हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सबको पता है क्योंकि इससे पहले मीन और मीडियन पढ़ चुके हैं तो इस तरीके से सी निकाल लीजिएगा फिर मिड पॉइंट मिड पॉइंट क्लास इंटरवल का निकाला गया है 90 प्लस नाइन्टी नाइन बाई टू करके ये आया है सेम टू तो सेम इसी तरीके से पूरा निकाल दिया गया है डेविएशन डेविएशन के लिए x माइनस ए एम बाई सी आई यहाँ पर एम जो है एज्यूम मीन है और सी आई क्लास इंटरवल तो एज्यूम मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे मिड पॉइंट में जो बीच वाला टर्म है इधर वन टू थ्री फोर नीचे भी वन टू थ्री फोर तो ये बीच वाले को एज्यूम मीन मान लेंगे और इस फॉर्मूला में बैठा के एक्स माइनस ए एम बाई सी आई निकाल लेंगे हम लोग डेविएशन क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में ये बार बार कर चुके हैं तो अभी फिर से बताने का ज़रूरत नहीं इस तरीके से इस फॉर्मूला में बैठा के डेविएशन निकाल लेना है फिर फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन ये फ्रीक्वेंसी और ये डेविएशन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ डी निकाल लेना है प्लस वाले को एक साथ ऐड करके लिखना है माइनस वाले को एक साथ ऐड करके लिखना है और दोनों को ऐड कर देना है जो सम ऑफ एफ डी निकल जाएगा सेवनटीन इस तरीके से हमें सम ऑफ़ एफ डी मिल गया अब देखिए यहाँ से आपको सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो एन मिल जाएगा और क्लास इंटरवल टेन और 19 के बीच का जो साइज है टेन इलेवन 12, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17, एटीन 19 तो टेन है तो क्लास इंटरवल हो जाएगा टेन अब इन सारे डेटा से हमें निकाल लेना होगा मीन तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस समेसन ऑफ एफ डी बाई एन इंटू सी आई डेट इक्वल टू एज्यूम मीन हमारा आया था 54.5 प्लस समेसन ऑफ एफ डी सेवेंटीन बाई एन एन इक्वल टू फिफ्टी इंटू सी आई सी आई का वैल्यू है 10 54.5 प्लस जीरो जीरो कैंसिल आउट सेवेंटीन को फाइव से डिवाइड करेंगे आ जाएगा थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर को फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव से ऐड करेंगे आ जाएगा फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइन तो मीन निकल गया फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइन नेक्स्ट हमें निकालना होगा मीडियन तो मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ बाई सी एफ इंटू सी आई मीडियम के लिए एल का वैल्यू हो जाएगा एज्यूम मीन वाले जो क्लास इंटरवल है इसका लोअर लिमिट तो ये फिफ्टी से फिफ्टी नाइन है तो लोअर लिमिट में हो जाएगा फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव तो l हो जाएगा फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव प्लस एन बाई टू एन फिफ्टी है तो फिफ्टी बाई टू मतलब ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव माइनस सी एफ सी एफ़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्योंकि ये हमारा एज्यूम मीन वाला इंटरवल है तो सी एफ जो होता है वो एज्यूम मीन के जस्ट नीचे वाला होता है तो सी एफ हो जाएगा फोर्टीन बाई एफ एफ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल जो है वो है टेन फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव प्लस इलेवन इंटू टेन बाई टूवेल्व टू फाइव टेन टू सिक्स जा टटी नाइन पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टी फाइव बाई सिक्स फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव प्लस फिफ्टी फाइव को सिक्स से डिवाइड करेंगे आ जाएगा नाइन पॉइंट वन सिक्स 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 ये बढ़ते जाएगा तो फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव प्लस नाइन पॉइंट वन सेवन करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद दो ही डिजिट लिखा जाता है इसके लिए भी देखा जाता है कि तीसरा डिजिट में क्या है यहाँ पे अगर फाइव से ग्रेटर है तो एक पॉइंट यहाँ बढ़ जाता है इसीलिए 9.17 नाइन पॉइंट वन सेवन हो जाएगा फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव को नाइन पॉइंट सेवन से ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा सेवन सिक्स ये हो गया 58.67 मीडियन नेक्स्ट हमें पता है बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है बहुलक मतलब मॉड तो मॉड इक्वल टू थ्री इंटू मीडियन माइनस टू इंटू मीन थ्री इंटू मीडियन आया था हमारा 58.67 माइनस टू मीन आया था 57.9 57.9 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 58.67 से आ जाएगा 176.01 माइनस 2 को 57.9 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 115.8 176.01 को 1150 फाइव पॉइंट एट से सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा सिक्सटी पॉइंट टू वन ये विधि थोड़ा सा मतलब ये मेथड थोड़ा सा लंबा है बट इससे जो एक आंसर आता है वो एक्यूरेट आंसर आता है एज्यूम मिन वाला में एज्यूम किया हुआ आंसर आता है बट इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉड से ही रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो भी ईजी मेथड होगा उससे अगर एग्ज़ाम में आ जाए मॉड फाइंड करना और यहाँ पे लिख दे कि बाय करेक्ट मॉड मेथड तो आपको इस मेथड से करना होगा और अगर नहीं दिया हुआ रहे तो सिंपल में किस मेथड से करेंगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे